विद्यार्थी हो, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होगी। जैसे कि सारे बच्चों को पता है, टीम अभिषा बच्चे एग्जाम सीरीज लेके आई है। इस एग्जाम सीरीज के अंदर हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होंगे जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जो कि आपको एकदम 100% अंक दिला पाएंगे। सारे बच्चों क्लियर है? अब देखो, इस टीम अभिषा बच्चे, ये टीम पूरी की पूरी जो अभिषा की ऑफलाइन जो बेस्ट फैकल्टी है वो सारे आप लोग को यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कंटेंट यहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं। तो आपको सिर्फ बच्चे दो महत्वपूर्ण काम करने हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम बच्चे, वो आपको जो ऐसे एकदम हटके, एकदम डट के करना है बच्चा। वो क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको दम लगाना है बच्चे, ठीक है? क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लगभग 30 दिन बाकी है। इस 30 दिन के अंदर आपको जो है बहुत जी फाड़ मेहनत करनी है। पहले बच्चों को समझ आया? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चे, आपको जो है अपने ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर्स है, सारे बच्चे क्या करेंगे, उसको दोस्तों तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक शेयर करेंगे, जिससे ये इन बच्चों को जो है हेल्प हो पाएगी, जिनको जो है इसकी जो है बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उन बच्चों तक ये वीडियो क्या करें, आप शेयर कीजिएगा सारे बच्चों को। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण काम आप ये कर सकते हो बच्चे, कि आपको जिस टॉपिक के अंदर, जिस जो है कंसेप्ट के ऊपर दिक्कत आ रही होगी, वो कंसेप्ट आप लोग बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस टॉपिक के अंदर हमको जो है दिक्कत आ रही है। हम बच्चे आपसे जो है कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको जो है प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। सारे बच्चों क्लियर है? तो चलिए बच्चों, हम जो इसी वीडियो के साथ जो अपना नया लेक्चर, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज बच्चे हम लोग जो है ठोस अवस्था खत्म करने के बाद जो है विलयन स्टार्ट करने वाले हैं। सारे बच्चों क्लियर है? विलयन आज पढ़ने वाले। तो इस विलयन के अंदर मैं जो है आपको एक माइंड मैप दे देता हूं कि हम जो कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक, सॉरी चैप्टर नहीं, कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हम लोग ऐसे टॉपिक कवर करेंगे बच्चे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहली बात करूं बच्चे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर मोल संकल्पना हम पढ़ने वाले हैं। क्या सर? मोल संकल्पना बच्चा, मोल संकल्पना अपन यहां पे पढ़ने वाले हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज बच्चे, यहां पे हम जो है राउल्ट का नियम पढ़ने वाले हैं। ये यहां से बच्चे आपको मैं बता दूं तो 5 अंक पूछे जाते हैं बेटा, 5 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जहां से आपको जो है दो नंबर के जो है आपको जो है एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल इस तरीके से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और मोल संकल्पना बेटा, आप कभी ये मोल संकल्पना जो है, मोल कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये आप लोग छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि यहां से 2 नंबर के श्योर, एकदम कंफर्म बच्चे यहां से 2 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सारे बच्चों क्लियर है? तो ये हम आज पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, मोल संकल्पना हम पढ़ रहे होंगे, उसके बाद राउल्ट का नियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, अति इंपॉर्टेंट, भयंकर, भयानक इंपॉर्टेंट हमारे जो है टॉपिक है बच्चा, राउल्ट का नियम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद बच्चा अपन जो है कथनांग में, उन्नयन, हिमांग में, और नमन, परासरण दाब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परासरण दाब। और उसके बाद बेटा आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, ठीक है, हेनरी का नियम, स्थिर क्वाथि मिश्रण, ये बच्चे हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं सिलेक्ट सेट किया उसको मैं, ठीक है, हम जो इसके इंपॉर्टेंट के हिसाब से मैंने ये जो है माइंड मैप जो है तैयार किया हुआ है। सारे बच्चों को क्लियर है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर जिन बच्चों ने देख लिया तो उनके 2 अंक जो बच्चे एकदम श्योर कंफर्म होने वाले हैं। सारे बच्चों को क्लियर है? या फिर बच्चे मैं बात करूं तो हम जो सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं विलियन। अगर विलियन किसी बच्चों को नहीं पता हो तो वापस से मैं फटाफट से रिवाइज कर देता हूं। सारे बच्चों को ध्यान सुनना बच्चा, ठीक है, विलियन क्या होता है, वहां पर बच्चे क्या होते हैं, एक हमको जो है ऐसा सॉल्यूशन मिलता है, ऐसा समांगी मिश्रण मिलता है। समांगी मिश्रण बात करूं बेटा, समांगी मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बना होता है। सिंपल क्लियर बात है, अगर मैं इसको अच्छे तरीके से एकदम फॉर्मेटिंग करके बताऊं बच्चे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम बोलते हैं बेटा विलयन। समांगी का मतलब होता है उसमें कोई भी किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल मैं आपको जो है एकदम सटीक देता हूं, ध्यान से सुनना बच्चा। अगर आप जो है एक दुकान में जाके आप माजा पीते हो, जो आप मैंगो जूस पीते हो, उस मैंगो जूस को अगर आप एक ग्लास के अंदर रख दो, एक ग्लास के अंदर रख दो और स्ट्रॉ से पी लो भैया, किससे, स्ट्रॉ से, जो पाइप आती है, ठीक है, जो पाइप आती है, स्ट्रॉ आती है, उससे पियोगे, तो अगर स्ट्रॉ से पियोगे तो उस क्या, उसका टेस्ट बदल जाता है, नहीं बदलता, एकदम वैसे की वैसे ही रहता, तो उसी को बोले भैया समांगी। अगर इसका हम सही तरीके से लिखे विलयन का डेफिनेशन, तो ध्यान सुनना बच्चा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन बोलते हैं। और विलयन कणों का जो आकार होता है, विलयन में जो कण होते हैं ना, उनका जो आकार होता है 1 नैनोमीटर होता है। कितना बच्चा? 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, बहुत छोटा, एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। पहले बच्चों क्लियर, सारे बच्चों को? अब देखो, इसके विलयन के भैया 2 घटक होते हैं। कितने? 2 घटक। वो सारे बच्चे यहां पर कमेंट सेक्शन में लिख दिए भैया कौन कौन से घटक होते हैं। क्लियर सारे बच्चों को? अब देखो यहां पर 2 घटक मैं बता देता हूं, ध्यान सुनना। पहला जो घटक होता है वो होता है विलेय, और दूसरा जो घटक होता है बेटा विलायक, ठीक है, क्योंकि हमको पता है सर, अपन ने बचपन में पढ़ा हुआ है ये, तो हम यहां पे टाइम पास नहीं करेंगे, ध्यान सुनना बेटा, ठीक है। विलेय जो होता है, विलेय, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मात्रा बहुत कम होती है, बहुत नहीं बोल सकते लेकिन कम होती है। मात्रा क्या होती है बेटा? कम होती है। सारे बच्चों को क्लियर है? अब देखो, मैं विलेय की मात्रा बहुत कम तो होती है, लेकिन भैया हमको यह भी पता है कि विलेय और विलायक से, विलेय और विलायक से मिलकर क्या बनता है सर, विलयन का निर्माण होता है। तो विलायक क्या होगा बच्चा? इसकी क्वांटिटी, मात्रा जो होगी
मात्रा जो है अधिक होने वाली है किसके कंपैरिजन में, विलय के कंपैरिजन में। सारे बच्चों को क्लियर है? और इस तरीके से फॉर्मेशन किसका होगा, विलयन का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है, सॉल्यूशन बनने वाला है। सारे बच्चों को क्लियर है? ठीक है, ये कंसेप्ट तो सारे बच्चों को क्लियर होगा। इसके इसके बाद में अगर जो है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जाऊं बच्चे, तो इसके बहुत सारे डिटेल्स भी आते हैं, वो हम यहाँ पे हम कवर नहीं करेंगे। हमारा जो मेन उद्देश्य रहने वाला है, आपको दो अंक दिलाने का उद्देश्य रहने वाला है बच्चे। सारे बच्चों को क्लियर है? ठीक है, अब देखो, देखो बच्चे, हमारा जो मेन उद्देश्य रहने वाला, आपको दो अंक दिलाने का उद्देश्य होने वाला है। तो आप लोग बच्चे ध्यान से सुनना, हम जो है सांद्रता के आधार पर, डायरेक्ट कंसेप्ट पर हम जम करने वाले हैं, सांद्रता के आधार पर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग। बच्चे इसको दो तरीकों में हम बांट सकते हैं। पहला जो तरीका होगा बेटा, तापमान में निर्भरता के आधार पर, तापमान में डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर डिपेंडेंसी। और दूसरा जो तरीका होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर इंडिपेंडेंसी, मतलब तापमान में अनिर्भरता के आधार पर, ठीक है। यहां पे हमको दो तरीकों में क्लासिफाइड कर पाएंगे, वो ध्यान से सुनते रहना, एकदम जो यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एकदम आपको मक्खन समझ आएगी, ध्यान समझना बच्चे। तापमान में निर्भरता के आधार पर आयतन के अनुसार अगर मैं देखूं, तो वहां पर क्या होता है बेटा, आयतन प्रतिशतता, जहां पे वी बाई वी परसेंटेज के मात्रा बोली जाती है, वी बाई वी परसेंटेज, आयतन प्रतिशतता। दूसरी जो चीज होगी बेटा, क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशतता, ठीक है, दूसरा तरीका। तीसरा जो होगा बेटा, मोलरता, जिसे अपन बोलते हैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरता, नॉर्मलता, जिसे हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये जो चार टर्मिनोलॉजी है, उसके बाद पीपीएम भी आता है, ठीक है। तो ये जो चार जो मेन टर्मिनोलॉजी है कॉन्सेंट्रेशन टर्म के, ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है। सारे बच्चों क्लियर है? अब कैसे टेम्परेचर इंडिपेंडेंसी होती है, कैसे डिपेंडेंसी होती है, इस पर हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले। अगर जिन बच्चों को इंटरेस्ट होगा, जिनको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं बच्चे, गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारी जो अभिप्सा की ऐप है, वहां से जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं बच्चे क्या करूंगा, 12th, जिन जो बच्चों का अभी 2023 में एग्जाम है 12th के, वो क्या करेंगे बच्चे, अभी इसी यूट्यूब सीरीज के अंदर सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अभी आपको जो है डिटेल्ड पढ़ने की नीड नहीं है, उतना जो है आपके पास टाइम नहीं है। सारे बच्चों क्लियर आए? अब देखो बच्चा, तापमान में अनिर्भरता के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो तापमान में अनिर्भरता के आधार पर W बाई W मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता हम बात कर रहे होंगे, मोल प्रभाज, मोलरता, ठीक है, पीपीएम के बारे में बात करेंगे, और फॉर्मलता के बारे में हम लोग तापमान अनिर्भरता के आधार पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चे क्या बात कर ले, तापमान में निर्भरता के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे, तापमान में निर्भरता के आधार पर पहले तरीके की मैं बात करूंगा आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता कुछ नहीं है भैया, आयतन कहां बात करते हैं, लिक्विड में बात कर रहे होते हैं, किसमें, लिक्विड में बात कर रहे होते हैं, किसमें बच्चा, लिक्विड में बात कर रहे थे। एक पॉइंट आपको यहां पे याद दिला देता हूं, अगर 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 तुम मिल जाओ भैया, अगर ये कंसेप्ट समझ आ जाए, ठीक है, अगर तुम मिल जाओ, वही होता है ना बच्चा, अगर तुम मिल जाओ, ये जो पूरा कंसेप्ट समझ जाएंगे सर, ध्यान समझना बच्चा क्या करेगा, यहां से भैया अगर आपको ये जो है आपको ये, ठीक है, अगर तापमान में अनिर्भरता से निर्भरता में जाना है, या फिर निर्भरता से अनिर्भरता में आना है बच्चे, तो आप क्या करोगे, यहां पे एक फंडा आएगा, एक नियम आएगा बच्चा घनत्व का, ठीक है, घनत्व एक जो है वर्ड आता है, वो घनत्व मैं बताऊंगा कैसे चीजें होती है, फिलहाल आपको फील करना है भैया, मजा लेना, ठीक है। देखो बच्चे, ठीक है, घनत्व आएगा, और घनत्व कौन से क्वेश्चन पे आते हैं और कैसे आते हैं, ये सारे क्वेश्चन भी यहां पर मैं कराने वाला हूं, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। सारे बच्चों क्लियर है? अब देखो, तापमान में निर्भरता के आधार पर मैं अगर बात कर दूं, तो तापमान में निर्भरता का पहली जो तरीका है वो हमारा आयतन प्रतिशतता है बच्चे। क्या होगा, आयतन प्रतिशतता। आयतन किस में नापा जाता है भैया, जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, जो तरल पदार्थ होते हैं, उसमें आयतन की बात होते हैं भैया। तो किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर, क्या हम पानी की बात कर ले, क्या हम पानी की बात कर ले, बिल्कुल बच्चे बात कर सकते हो। क्या हम जो है अल्कोहल की बात कर ले, भैया हमारे पास ऐसे बदमाश बच्चे बैठे होंगे जो अल्कोहल की बात करेंगे, तो अल्कोहल की भी यहां पर बात कर सकते हैं, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्मेशन में जो है तौला जाता है, मापा जाता है। सारे बच्चों के लिए तो हम बात करेंगे बच्चे, इसका डेफिनेशन की अगर मैं बात कर दूं, डेफिनेशन की अगर मैं यहां पे बात करूं, तो आपको क्या लिखना है, किसी एक लीटर में, किसी एक लीटर में विलेय की कितनी मात्रा घोली गई है, किसी एक लीटर में, एक लीटर विलायन में कितनी मात्रा जो है विलेय की घोली गई है, इसी को हम लोग आयतन प्रतिशतता बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, आयतन प्रतिशतता, ठीक है, क्लियर सारे बच्चों को समझ आया। किसी बच्चों को अगर नहीं समझ आया, तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, एक गजब का ट्रिक बताता हूं, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनना। हाँ देखो भैया, स्पेस किधर है, हाँ कहा भैया, स्पेस किधर है, देख चलो ध्यान से इधर लिख लेते हैं। अब देखो भैया क्या करना है, अब एक ट्रिक बताना है, एक ट्रिक बता दो सर, इसको याद करने का ट्रिक, ध्यान से सुनिएगा सर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। अब ट्रिक की अगर मैं बात कर दूं, तो ट्रिक क्या है, अगर बच्चा हम लोग, आपने कभी बचपन में ही पढ़ा, ठीक है, ये सारी चीजें बचपन में ही पढ़ा, बचपन मतलब एक साल पहले ही की बात है भैया, ठीक है। अब बचपन में अगर पढ़ा हुआ है, तो देखो विलेय की क्या होते हैं बच्चे, विलेय में हम लोग विलेय की जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, अपन ऊपर में लिखते हैं, ठीक है, अंश में लिखते हैं, और नीचे में सर, नीचे में हम लोग ना विलयन का जो है क्वांटिटी की बात करते हैं। तो विलयन का बच्चा जो भी लिखना होगा, ठीक है, मोल लिखना होगा, कुछ भी लिखना होगा, तो हम इस तरीके से लिखते हैं,
ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, ट्रिक है बच्चा, आपको कभी नहीं भूलना है। ये क्या है आपका जो है दिल जीतने वाला ट्रिक है भैया, ये आपको इसको हार्ट बना के लिख लो, कुछ भी डब्बा गोला जो भी बनाना बना लो, लेकिन इस ट्रिक को मत भूलना, ठीक है। आपको याद करके रखना, इसको एग्जाम तक इसको याद करके रखना है, एग्जाम के बाद कर सकते हो, मजे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विलय की अगर मैं बात कर दूं तो क्या करना है, अब डेफिनेशन को वापस से पढ़ो, इस डेफिनेशन को वापस से पढ़ो, कितना फील आएगा, मजा आएगा, ध्यान से सुनना। अब देखो विलयन की अगर मैं बात कर लूं तो एक लीटर विलयन में, ध्यान सुनना, एक लीटर विलयन में विलय की कितनी मात्रा घोली गई है, उसी को हम लोग आयतन प्रतिशतता बोल देंगे, आयतन प्रतिशतता बोल देंगे भैया, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तो हमको डेफिनेशन जो है एकदम इजी समझ आएगा सर, बिल्कुल सर, मैं बोला ही हुआ हूं, मक्खन समझ आएगा, बोला हूं बच्चे, ठीक है, मक्खन समझ आने वाला, एकदम ध्यान सुनना बस, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लिखना है, ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है बच्चे, भूलना नहीं है, जब मोर कंसेप्ट पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला कभी भूलना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगर आपको जो है बच्चे यहां पे मैं बात करूं तो आपके पास एक कंटेनर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, सपोज करो भैया यहां पे जो है 100 ml का क्या रखा है बच्चे, पानी रखा है, पानी भरा हुआ है, कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर के ऊपर अगर आपको क्या है कुछ भी डालना हो, कुछ भी विलय डालना हो, तो विलय डालने के लिए क्या करोगे, उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा। तो अगर मेरे को एक जो है विलय का आयतन निकालना होगा, एक विलय का आयतन निकालना, तो मेरे पास फॉर्मूला है बच्चे VA, ठीक है। अगर मैं यहां पे VA डाल रहा हूं, इस तरीके से मैं VA डाल रहा हूं, तो अगर मेरे को इसका आयतन निकालना, तो VA क्या करूंगा, VA जो कि विलय है। और सॉल्यूशन कैसे बनता है बच्चा, सॉल्यूशन कैसे बनता है, विलय और विलायक से मिलकर बनता है, विलय और विलायक से मिलकर विलयन बनता है, सारे बच्चों को क्लियर। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं VA जो हमारा विलय है और VB जो हमारा क्या बच्चा विलायक है, तो दोनों के मिक्सचर से, दोनों को जो है बनने से, ठीक है, क्या बना बच्चा विलयन का निर्माण हुआ, क्लियर है। उसी बात मैं बोल सकता हूं अगर VA निकालना है मेरे को तो क्या होगा, VA प्लस VB होगा इनटू क्या बच्चे प्रतिशतता की बात कर रहे हैं, प्रतिशतता की बात कर रहे हैं, तो भैया सिंपल सी बात है, शत प्रतिशत का अंक जो है आने वाला, शत प्रतिशत यहां पे लिखने वाला, उसी प्रकार से अगर ये वीडियो फॉलो किए बच्चे तो आपका शत प्रतिशत अंक आएगा, मजा आएगा सारे बच्चों, क्लियर है। अब देखो क्या हुआ, VA अपॉन VA, ठीक है, VA अपॉन VA प्लस VB, ये हुआ VA का निकालने के लिए A का जो है आयतन निकालना। इसी बात B का मैं बोल सकता हूं VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, सारे बच्चों को क्लियर है, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट आप लोग पहली बार, इसमें मैं बहुत फोकस कर रहा हूं बच्चे, आपके लिए दो अंक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसको सही में ध्यान से समझना है, क्लियर सारे बच्चों को। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर मैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की बात कर दूं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, द्रव्यमान बोल रहा है बेटा, द्रव्यमान ऊपर में आएगा, किसकी द्रव्यमान की बात करेगा, अभी भी मैंने ट्रिक बताया, क्या बताया, विलेय का द्रव्यमान की बात, ऊपर में क्या होता है बेटा, क्या होता है विलेय होता है, नीचे में क्या होता है बच्चे, उसमें होता है विलयन। ये जो फॉर्मूला है बच्चे, अगर जो बच्चा देख रहा होगा, ठीक है, अगर जो बच्चा देख रहा होगा तो ये फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए बच्चे, कमेंट सेक्शन में आना चाहिए बच्चे, सारे बच्चों को क्लियर है। अब देखो विलय का क्या होगा बेटा, आयतन यहां पे बात की, आयतन में आयतन की बात की, यहां पे द्रव्यमान की बात हो रही है, किसकी द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मतलब भैया सिंपल बात है, सिंपल सी बात है, द्रव्यमान मतलब, द्रव्यमान का मतलब मैं डब्ल्यू ले लूं, द्रव्यमान वेट, ठीक है, डब्ल्यू ले लेता हूं। अब डब्ल्यू क्या ले बेटा, आयतन बोल रहा था, आयतन मतलब वी ले लेता हूं, और प्रतिशतता बोल रही है, क्या बोल रही है, प्रतिशतता, तो प्रतिशतता भैया ये लो परसेंट, ठीक है। अगर मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूं तो क्या लिखूं, डब्ल्यू बाय वी इंटू 100, मतलब प्रतिशतता की बात हो रही है, सिंपल क्लियर बात, सिंपल क्लियर बात, हमने फॉर्मूला बना लिया, कोई हार्ड था, कोई टफ था बच्चे, बिल्कुल टफ नहीं था, ठीक है, कोई याद करनी नहीं है भाई, ठीक है, मजे हैं ये तो, बस मक्खन है एकदम, मजा एकदम, ध्यान से मानना। देखो सारे बच्चों क्लियर है, अगर मैं इसको जो है अगर आपको लिखना हो, वर्ड्स में लिखना हो, तो इस W की किसकी बात करोगे, विलय का द्रव्यमान, किसका बच्चा, विलय का द्रव्यमान, और विलयन का द्रव्यमान, आयतन की बात करूंगा, किसका बच्चे, विलयन का आयतन। तो यहां पर कुछ गलत कर दिया अपन, तो ठीक है, यहां पे गलत कुछ टाइप होगा बच्चे, आप क्या करें, बहुत काम होता है यार, क्या कर सकते हैं आप, यहां पे आयतन की बात आएगी, सारे बच्चों क्लियर है। एक लीटर जो है आयतन में कितने विलय का जो द्रव्यमान जो है घोला गया है, उसी को हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशतता, सारे बच्चों क्लियर है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होती है, क्लियर होगी एकदम मक्खन तरीके से, अब समझ गए बच्चे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके लिए मैं इसको भैया एकदम क्या करूंगा, स्टार बनाऊंगा, वो भी रेड वाला, ठीक है, एकदम मोहब्बत से, ठीक है। देखो ध्यान सुनना, ये आपके लिए क्या है, स्टार है, कौन सा स्टार भैया, ये हमारा जो है 3 स्टार होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगा बेटा, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, चलो अपन, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा अति भयंकर भयानक जबरदस्त तरीके से इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारे बच्चों को क्लियर है। अब देखो ठीक है, अब इंपॉर्टेंट तो है, इसको हम याद करें सर, या नहीं ना बच्चा, याद नहीं करना इसको, ठीक है,
है, बिल्कुल रट्टा नहीं मानना, ध्यान सुनो, एकदम समझ आएगी सारे बच्चे। अब देखो एक लीटर विलयन में क्या बात करें, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान सुनना, एक लीटर विलयन में विलेय की मोलों की संख्या को हम क्या बोल देंगे, मोलरता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोलरता बोलेंगे। अब इसे पढ़ देंगे कैसे? नहीं ना, नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, ध्यान सुनना क्या बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो मोलरता को अगर मैं बात करूं ना बच्चे, तो मोलरता को हम लोग क्या करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी कैपिटल वाला, कौन सा वाला, कैपिटल वाला एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैपिटल एम से जब रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे, तो अपन क्या लिख देंगे भैया, हम लोग अभी अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, सीख के आए, एक ट्रिक सीख के आए हैं। क्या, कौन सी ट्रिक? विलयन क्या होता है सर? विलयन तो नीचे में होता है। विलयन क्या होता है सर? विलयन तो नीचे में होता है, नीचे मतलब भैया, ठीक है, नीचे मतलब भैया क्या बात करेंगे, विलयन जो होता है हर में होता है। अब किसके विलयन की बात करेगा भैया, एक लीटर विलयन की, तो आप लोग लिख दे भैया एक लीटर, किसका, एक लीटर, एक लीटर विलयन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक लीटर विलयन। अब देखो यहाँ पे ऊपर में हर अंश में, अंश में क्या होता है, विलेय की मात्रा की बात कर जाती है, मतलब भैया विलेय की मोल की संख्या, ठीक है। अब मोलरता है, मोलरता तो भैया यहाँ पे आयतन की बात तो नहीं होगी, मोल की ही बात होगी, किसकी बात होगी, मोल की ही बात होगी, तो मोल की यहां पे नाम लिख देंगे भैया, क्या लिखेंगे, विलेय की मोल की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या। सारे बच्चों को क्लियर है? अब सिंपल सा डेफिनेशन अगर आपको बना, तो ध्यान सुनिए, ये डेफिनेशन आपको याद दिला देगा एकदम मक्खन, ठीक है। एक लीटर विलयन में, एक लीटर विलयन में विलेय की कितनी मात्रा मिलाई गई, कितनी मोलों की मात्रा मिलाई गई है, एक लीटर विलयन में, एक लीटर विलयन में कितने मोलों की मात्रा, मोलों की संख्या मिलाई जाती है, किसकी, विलेय की, विलेय की कितनी मोलों की संख्या मिलाई जाती है, उसी को हम लोग बोलेंगे बच्चा मोलरता। क्या बोल देंगे? मोलरता। सारे बच्चों क्लियर है? मोललता। यहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर मोललता क्या चीज होती है, मोललता क्या चीज होती है, दोनों डिफरेंस है बेटा, ठीक है, दोनों में जो है थोड़ा सा एकदम बारीक सा, इतना सा बच्चे, इतना सा ही डिफरेंस रहता है, उसी तरह से डिफरेंस को अपन समझेंगे और बहुत तगड़े तरीके से फोड़ेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखो मोलरता की बात किए, तो मोलरता में भैया हमको पता है, अभी अभी अपन ने सीखा कि कैपिटल एम से दर्शाते हैं, और विलयन का जो है आयतन की बात करके, जो कि बहुत ज्यादा गलत है बच्चा, ठीक है, सॉरी, बहुत ज्यादा अच्छा है, कैसे गलत नहीं भैया, कैसे अपन गलत कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। विलयन का जो आयतन की बात कर दिए, क्योंकि भैया विलयन क्या होगा, द्रव है, और द्रव मतलब भैया लिक्विड में आने वाले, तो विलयन की आयतन की बात कर दिए। और विलय की मोलों की संख्या की अगर मैं बात करूं, तो आपको मक्खन समझ आया होगा, यहाँ पे मैंने बात कर दी किसकी, विलय की मोलों की संख्या, ठीक है, ये तो डेफिनेशन अपन लिख लिए। अगर मैं बच्चे अगर इसी डेफिनेशन को, ये तो खैर हुई एक लीटर की बात, कौन सी लीटर, एक लीटर मैंने यहां पे लिखा, देखो एक लीटर की बात, अगर इसी एक लीटर को आपको कभी बोल दे एग्जाम में कि सर, ठीक है, इसको ना आप जो है मिलीलीटर में चेंज कर दो, किसमें चेंज कर दो, मिलीलीटर में चेंज कर दो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है 1000 का गुना कर देना, क्योंकि पता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सर बचपन में, अपन ने पढ़ा बहुत बहुत तेज से सर, अपन क्या करें, अपन जो बचपन में बहुत तेज से भयंकर तरीके से। अब देखो एक लीटर मतलब क्या होता है बेटा, 1000 ml, सिंपल सी बात है, 1000 ml, ठीक है। तो अगर मेरे को जो है इस लीटर को ml में चेंज करना होगा, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल बात है बच्चे, यही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर सारे बच्चों को? मक्खन समझ आया, एकदम मजा आया पढ़ने में, ठीक है। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इस जो इंपॉर्टेंट है ना सर, इससे क्या है ना, मेरे को बोर्ड में कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछे गए, वो भी कैसे क्वेश्चन, जो कि आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन? न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल मतलब सर आंकिक प्रश्न, जिससे आप बोलते हो ना बच्चे, वही न्यूमेरिकल, एकदम भाई इतना छोटा सा फोर दोगे उसको, इतना छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा था। ध्यान सुनना बच्चे, ध्यान से मजा आएगा आपको देखे, ठीक है। अगर देखो भैया आपको ऐसा न्यूमेरिकल दे दे कभी बचपन में, ठीक है, बचपन नहीं भैया एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में ऐसा न्यूमेरिकल दे दे, तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले बच्चे घबराना नहीं है, क्या करना है, इसको बोले ना, इसको बोलना भैया क्या करेगा, ठीक है, इसको तो मैं फोड़ दूंगा, क्या करेंगे बच्चा, इसको तो अपन फोड़ देंगे, कैसे फोड़ेंगे देखो बच्चे, ठीक है। अपने को न्यूमेरिकल दिया गया है 2.46 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, 2.46 सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका आणविक द्रव्यमान अपन को दे दिया गया है। अब आणविक द्रव्यमान सारे बच्चों को तो पता ही होगा, ठीक है, सारे बच्चों को, मेरे प्यारे प्यारे दम गुलगुले से बच्चों को तो पता ही होगा आणविक द्रव्यमान क्या, इतना छोटी सी बात कैसे नहीं पता भैया, आप लोग को ध्यान सुनना, देखो देखो मजा आएगा। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सॉरी एटॉमिक मास कितना बेटा, 23 होता है, ठीक है, 23 होता है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ठीक है, 23। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे, 8 होता है, 8 × 16, सिंपल बात सारे बच्चों को पता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बच्चा क्या होता है, 1 होता है, तो अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो हमको और बच्चे 40 मिलती है, क्या मिलता है, 40। सारे बच्चों के लिए कैलकुलेट कर लो भैया, यहाँ पे 40 मिलेगी, उसी को यहाँ पे जो है आणविक द्रव्यमान के तौर में बताया गया है आपको। क्लियर सारे बच्चों को? अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट ऊपर आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2.46 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका आणविक द्रव्यमान हमको 40 दे दिया गया है, और इसको जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब,
क्या बोले बेटा 100 सेंटीमीटर क्यों, मतलब आयतन की बात की गई है, एकदम मक्खन आयतन की बात की गई, तो जल में क्या किया, विलय किया गया, क्या किया, जल में विलय किया गया, तो इस विलयन की मोलरता क्या होने वाली है, अभी अपन ने सीखा क्या, मोलरता अगर अपन को निकालना हो तो विलयन का आयतन की बात करें, जो कि हमको यहां पर दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतने से ही सेंटीमीटर क्यूब में बात की गई, ठीक है। अब इतने सेंटीमीटर क्यूब में हम जो है 2.46 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं, 2.46 सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं, सारे बच्चों को क्लियर समझ आया, देखो ठीक है। अब देखो अपन को यहां पे क्या निकालना है सर, हमको फॉर्मूला क्या दिया गया, एम इज इक्वल टू बच्चे एम क्या है, विलय की मोलों की संख्या, ठीक है, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या डिवाइड बाय क्या होता है बच्चे, डिवाइड बाय होता है हमारे जो है एक लीटर विलयन के, ठीक है, एक लीटर विलयन की बात करूंगा, विलयन का आयतन की बात होगी, सिंपल विलयन का आयतन की ही बात होगी सर, बिल्कुल बच्चे, ठीक है। अगर मेरे को एम निकालना हो, ठीक है, मोलरता निकालनी हो, तो मोलरता के लिए क्या है, विलय की मोलों की संख्या निकालनी होगी, विलय की मोलों की संख्या अपन कैसे निकालेंगे सर, यहां पे क्या कंफ्यूजन क्या है, यहां पे कंफ्यूज क्या करते हैं बच्चे को, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक है, विलय की मोलों की संख्या तो निकालनी बोली है, हमारे जो क्या है बच्चे फॉर्मूला क्या है, मोलों की संख्या की बात करें, लेकिन बच्चा इसके अंदर, ठीक है, आपको मोलों की संख्या करके कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, इतने मोल जा रहे हैं ऐसे कहीं पे नहीं लिखा है, ठीक है, 2.46 मोल जो है वाटर के अंदर आ रहे हैं ऐसा नहीं लिखा है, ध्यान समझना, पढ़ना अच्छे से, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 2.46 ग्राम द्रव्यमान की बात हुई है, 2.46 ग्राम बोल रहा है, मतलब द्रव्यमान भार की बात हो रही है यहां पे, किसका भार, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार, और किसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है भैया, जो है जल के अंदर जा रहा है, कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब घन के ऊपर जा रहा है, घन के अंदर जा रहा है, ठीक है, घन मतलब भैया जल के अंदर जा रहा है, ठीक, घन मतलब जल के अंदर जा रहा है, ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर सारे बच्चों को। अब देखो इस तरीके से जब आपको समझ आए तो हमको जो है मोल की संख्या तो दे ही नहीं गई है, मोल की संख्या हम जो एन से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ऐसा एन से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल वाला, ठीक है, स्मॉल वाला एन से। अब देखो यहां पे जब इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया हो तो क्या करेंगे बेटा, आपको जब डब्लू मतलब वेट जो है, वेट निकालना है, उसके साथ बेटा आपको एम निकालना है, क्या, मोलर मास, एटॉमिक, भैया एटॉमिक मास की मैं बात करूंगा, ठीक है, मोलर मास की, एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से बच्चे, जो हमारा डब्लू रहेगा यहां पे क्या दिया है, 2.46 दिया हुआ है, 2.46 दिया हुआ है, और इसके जो है अगर मैं बात करूं मोलर मास की, क्या बनूंगा, मोलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान की बात कर रहा हूं, आणविक द्रव्यमान यहां पे क्या दिया है सर, 40 दिया हुआ है, 40। अब इसको फटाफट बच्चे फटाफट सॉल्व करके मेरे को बता दो, फटाफट मेरे से पहले ये सॉल्व करके आना चाहिए बच्चे, सारे बच्चों को क्लियर है, ठीक है, मक्खन समझ आया, ध्यान समझना, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें बच्चे, सॉल्व करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, 0.16 ये मेरे को जो मिलने वाला किया एन की वैल्यू, 0.0615 मेरे को ये मिलने वाला है, कर लो भैया, देख लो, मजा कर लो, ठीक है, कर लो भैया कैलकुलेशन लगा लो। अब देखो इस तरीके से जब मेरे को मिलेगा कैलकुलेशन तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर दूं, हम लोग यहां क्या करेंगे, ड्रीम इलेवन में टीम बनाएंगे, क्योंकि हमको क्रिकेट बहुत पसंद है, सारे बच्चों को क्लियर। अब देखो विलय की मोलों की संख्या की अगर मेरे को बात करनी हो तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास वैल्यू आ गई जिसकी क्या है, एन है, अगर मैं सिंपल सी बात है 0.0615 क्या भैया 615 को इसको जो है आयतन से जो डिवाइड करूंगा, मतलब 100 से इस तरीके से डिवाइड करेगा, क्योंकि मेरे पास विलयन का जो है आयतन दिया हुआ है, यहां पे ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मेरे को यहां पे 100, यहां किसकी बात की, विलयन का आयतन की बात की, वो भी 100 से बात कर रहा है, लेकिन हमको इसको ml में चेंज करना है, किस में चेंज करना है सर, ml में, अभी अभी अपन ने सीखा ml में चेंज करना, मतलब यहां पे 1000 लगा देना है, 1000 करेंगे बच्चे, तो देखो ध्यान से इस तरीके से करेंगे तो अपन 0 0, हम इतना तो मैथ्स आता है सर, अब छोड़ो इतना तो अपन कर लेगा, क्या बोलेगा बच्चे, इतना तो अपन कर लेगा, ठीक है। देखो तो कैपिटल एम से लिखना भैया इसको, ठीक है, इसको जब करेंगे सॉल्व तो हमको मिलेगा 0.615 क्या मिलेगा, मोल मेरे को मिलने वाला है इस तरीके से 0.1615। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो ये एक जीरो तो कर जाएगा ना, ये जीरो कैंसिल होगा यार, ठीक है, कैंसिल मतलब इनटू होगा, तो थोड़ा सा जो है ये जीरो जो है बच्चे क्या होगा, हट जाएगा, क्या मिलेगा 0.615 मेरे को मिलेगा। तो इस प्रकार से बच्चे यहाँ पे मोल मिलने वाला है मेरे को, क्या मोल मिलने वाला है, इसको मैं फुल फॉर्म में लिख लेता हूँ भैया, कई बच्चे बोलेंगे क्या लिख दियो सर एम है ना, तो मोल ये मेरा जो है आंसर आने वाला है, ठीक है, ये मेरा जो है आंसर आने वाला है, सारे बच्चों को क्लियर है। इस तरीके से बच्चे आपको कभी एग्जाम में पूछा गया ना आंसर, सॉरी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, ये क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके के क्वेश्चन मैं जो है आपको और प्रैक्टिस के लिए दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया आपको जो है एक जो पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ के अंदर ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स में आए होंगे, और ये क्वेश्चन बच्चे आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स में आए हैं, बहुत ईजी है ना, मजा आया ना आपको करने में, ठीक है, बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। अब चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अपने कंसेप्ट को और ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, अब मजा आएगा, ठीक है। अब देखो
ठीक है। नॉर्मलता की अगर मैं बात कर दूं, नॉर्मलता की मैं बात करूं तो नॉर्मलता क्या होता है सर? नॉर्मलता ना सर किसी भी विलयन की जो ग्राम तुल्यांक में वह संख्या होती है जो एक लीटर विलयन में विलेय की विलेय है। सिंपल बात, किसी को समझ नहीं आया क्या? बता दिया सर एकदम, इतना जल्दी से मजा नहीं आया। ठीक है, अब देखो मजा कराता हूं आप लोगों को, ठीक है ध्यान सुनना। नॉर्मलता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर? अपन जो है कैपिटल एन से, ठीक है, बड़ा वाला एन कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेगा। मैं तो करेगा भैया, आप लोग अपना जान लो गलत होगा तो, ठीक है, मैं तो करेगा। तो कैपिटल एन से भैया अपन जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे बात करके विलेय का मैंने बताया ही है, बोला ही है कि भैया अपन को नीचे में हर में क्या लिखना है, विलयन की ही बात करनी है। किसका? विलयन की ही बात करनी। विलयन का किसका भैया? विलयन की आयतन की बात करनी है, आयतन की बात करिए। और किसमें बात करनी है? एक लीटर में बात करनी है, एक लीटर में बात करनी। तो एक लीटर में विलयन का आयतन हर की बात हो गई, ठीक है। अब इसको जो डेफिनेशन के फॉर्मेट में अगर हमको समझना हो, लिखना हो, तो आप क्या कर सकते हो? एक लीटर विलयन में, एक लीटर विलयन में विलेय की कितनी ग्राम तुल्यांक की भार जो है घोली जा सकती है, उसी को अपन बोलेंगे बच्चे क्या बोलेंगे? नॉर्मलता बोलने वाले हैं। सारे बच्चों को क्लियर है? ठीक है, ध्यान सुनना। विलेय की क्या करे बेटा? विलेय की ग्राम तुल्यांक की भार, ग्राम तुल्यांक की भार। अब कोई बच्चे को ना ये ग्राम तुल्यांक की भार समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है, ग्राम तुल्यांक की भार जो है समझ नहीं आ रही होगी। तो ग्राम तुल्यांक की भार कुछ नहीं ना बच्चे, ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। क्या ग्राम तुल्यांक की भार क्या बात करता है? जब भी आप एक विलेय लेते हो ना, एक जो सब्सटेंस लेते हो, तो वहां पर विलेय का जो भार होता है, किसका? विलेय का भार जो होता है। सपोज करके भैया हमारे पास विलेय क्या गया है? बी है, ठीक है, हमारे पास विलेय का जो भार रहेगा डब्लू, ठीक है, विलेय का जो भार रहेगा उसकी जो है ट्राम द्रव्यमान की जो है, जो उसके ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान के जो है क्या होने वाला है? डिवाइडेशन में होने वाले हैं। वही हमारे क्या होगा बेटा? ग्राम तुल्यांक की भार होने वाला है। इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर सारे बच्चों को? अब देखो ग्राम तुल्यांक की भार मतलब भैया विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और क्या ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान होता है, ठीक है, ग्राम तुल्यांक की संख्या। अगर आपको जो है नॉर्मलता और अच्छे तरीके से समझनी है, तो आप जो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जिससे आपको जो है नॉर्मलता इजी और समझ आ जाएगी। क्लियर सारे बच्चों को? ध्यान सुनना, विलेय का जो द्रव्यमान होता है ना सर, विलेय का जो द्रव्यमान होता है उसमें हम जो है विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या, सॉरी द्रव्यमान बात करें, और जो विलयन का आयतन को हम गुना कर देंगे, तो हमको जो है नॉर्मलता भी मिल पाएगी। सारे बच्चों को क्लियर है मैंने क्या बात बोला? ध्यान सुनना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए ये जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। क्लियर मैंने बोला? ठीक है, मोलरता इंपॉर्टेंट है, मोलरता इंपॉर्टेंट है, मोल प्रभाज इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान प्रतिशतता इंपॉर्टेंट है, इन तीनों चीजों से आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है भैया इंपॉर्टेंट नहीं बोल दिया मतलब इसको पढ़ना ही नहीं, पढ़ना है भैया अपन को, सब पढ़ना है। बोर्ड वाले आपके मामा थोड़ी बैठे हैं, ठीक है, बोर्ड वाले आपके मामा थोड़ी बैठे हैं भैया, ठीक है, वो तो कुछ भी दे देंगे, ठीक है, कुछ भी दे देंगे। तो आप क्या करोगे भैया? क्या करोगे? हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, फॉलो करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, ठीक है। सब ध्यान से देखो, नॉर्मलता, नॉर्मलता के कंसेप्ट पूर्व आते हैं। अब नॉर्मलता की अगर मैं बात कर दूं, तो नॉर्मलता मेरे को पता है सर विलेय की ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या और जो है विलयन का आयतन, आयतन के फंडा मेरे को समझ आया, लेकिन भैया मेरे को ग्राम तुल्यांक की जो है भार है उसका फंडा मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है। अब जो समझ नहीं आया तो मैं क्या बात करूं? विलेय का जो द्रव्यमान होने वाला है ना बच्चा, विलेय का जो पदार्थ होगा, वो जिसका द्रव्यमान होगा उसी को मैं आयतन में अच्छे से जो कन्वर्ट करना चाहूं, तो क्या बोल सकता हूं? विलेय का द्रव्यमान जो है ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान जो होता है विलयन के आयतन के होता है, क्या बेटा? विलयन के आयतन के जो गुना में होगा, ठीक है, विलयन के आयतन के गुना में होगा, उसी का हम बोलेंगे बेटा नॉर्मलता बोल रहे होंगे। सारे बच्चों को क्लियर है? मक्खन समझ आया? ध्यान से समझ आया सारे बच्चों को? अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हुई ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या, मतलब नॉर्मलता की बात हुई, ठीक है। नॉर्मलता से मैं क्वेश्चन बेटा इससे मैं सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, ठीक है, इससे मैं जो आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर नॉर्मलता जो है पूछा नहीं गया है, इसलिए मैं यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फोकस करने लग जाऊंगा तो इसमें एक्सप्लेनेशन मेरे को जो है बहुत डीप जाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा, तो वो हमारे पास अभी फिलहाल टाइम नहीं है। तो अपन क्या करेंगे बच्चे, एकदम फटाफट जो इसको थोड़ा सा स्कीप करते हैं। अगर आपको जो है इसके बारे में और ज्यादा जानना हो, तो आप बेटा कमेंट सेक्शन में बताइए कि नॉर्मलता मेरे को और अच्छे से जानना है सर, एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। आप सिर्फ इतना बोल देना सर कि यहां पे एक नॉर्मलता लगाना और एक फायर वाला बच्चे आप इमोजी लगा देना, मैं समझ जाऊंगा आपको, आपको जरूरत है करके, ठीक है। तो नॉर्मलता के बारे में हम जो है, अगर आपको जरूरत होगी तो हम इसके बारे में एक और वीडियो डाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे बच्चों को पता चला?